हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हमारा ही टॉपिक मैथमेटिक्स, लेकिन हम पहले जान लें आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो काफ़ी आप लोग आयु संबंधी समस्या हिंदी में कहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, काफ़ी डिफरेंस फील करते हैं कि कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है, इतने साल पीछे की बात होगी, इतने साल आगे की बात होगी। तो इसमें जो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो आप ये सुन लो, आपने ये कंसेप्ट कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो आज कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो, इसमें आप डिटेलली क्लियर हो जाएगा आपको, और आप हर तरीके का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस पर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये कंसेप्ट है क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ते हैं इसमें एक ही चीज़ होती है, क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हम एज की बात भी कर रहे हैं। अगर एज के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आप 8 वर्ष आगे जाते हो, 10 वर्ष पीछे जाते हो, या प्रेजेंट की बात कर लेते हो, तो यही बात होती है, वर्तमान, भूतकाल और आपका भविष्य। तो हम इन्हें याद रखने वाले हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्यों? आप जब भी बात करोगे वर्तमान की तो आपको याद रखना है आप करेंटली किस ईयर में हो। मतलब अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2018, तो आप हमेशा वर्तमान को लेके चलोगे, हम 2018 में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको 10 साल पीछे जाना है, 5 साल पीछे जाना है, तो आप क्या करोगे, 2018 में से ही घटा दोगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की तरफ मुड़कर फिर देखना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला 10 साल पीछे, ठीक है, 10 साल पूर्व या 10 साल पहले, तो आप क्या करोगे 2018 में से 10, तो आप कहां पर हो, 2008 में। अगर मैंने बोला 5 साल आगे, 2023 में, तो आप कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। आपको दिक्कत क्या होती, कितने साल पीछे जाना आगे जाना, आप लोग डिवाइड उसमें जो माइनस प्लस करना रहता है काफी कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये जो ट्रिक है ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगी और बहुत आसान बना देगी आपके हर तरह के क्वेश्चन को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी इसे अप्लाई कैसे करना है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। तो वर्तमान की बात हुई है, सबसे पहले मैं लिखूंगा 2018, क्या लिखूंगा, 2018। अब यहां पर आप लोग ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी आपके लिए, ए रेशो बी कितना दिया है, 2:5, 2:3, सॉरी 2:3। अब यहां पर आपको एक चीज देख के रखी, ए की एज कितनी है, 20, बी की, तो यहां पर जब भी रेशो दिया जाता है भाई, रेशो क्या होता है, कॉमन फैक्टर कुछ होता होगा इनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम, जब भी रेशो बनता है किसी चीज का वो कॉमन फैक्टर कैंसिल होकर बनता है, मतलब जो ऊपर नीचे कैंसिल होता है हटा दे। तो हमेशा जब भी आप इंडिविजुअल वैल्यू की बात करो, जैसे ए मुझे अगर नहीं दिया होता तो मैं ए को क्या मानता, 2x ईयर्स, बी को 3x ईयर्स। ए मेरे पास है कितना है, 20, तो भाई 2x बराबर कितना हो गया, 20, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब x बराबर 10 है तो यहां पर 3x निकालना था, 3 × 10, 30 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ईयर्स का ऐसा कुछ था नहीं, इंडिविजुअली वर्तमान में ही बात हुई, मैंने 2018 मेंशन किया, रेशो दिया था, रेशो में से एजेस जब भी माननी रहती है हम कैसी मानते हैं, 2x और 3x। अब भाई उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, 2x और 3x में बहुत सारे चेंजेस, बहुत इंडिविजुअल चेंजेस हो सकते हैं, उसके भी आप पे हमें सॉल्व करना था, तो हमने कर दिया। हमें पता था ए बराबर कितना है, 20 ईयर्स, और ए की एज कितनी होती रेशो के हिसाब से, 2x, तो 2x बराबर 20। अगर हमें कॉमन फैक्टर पता चल जाए तो x का ही तो मल्टीप्लाई करना है, हमें बी भी आसानी से मिल जाता और मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमको अटेम्प्ट करना है और अच्छे से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 2018 ए रेशो बी इज गिवन लाइक 3:5, तो हमने माना ए कितना हो जाएगा, 3x ईयर्स, और बी कितना हो जाएगा आपका, यहीं पर बी कितना हो जाएगा, ये लाइन क्यों खींची मैं आपको बताता हूँ, 5x ईयर्स। अब हमको दिया है इनका टोटल, ए और बी का कितना दिया है, ठीक है, ए और बी का, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका,
8x, क्योंकि 3x और 5x जोड़ोगे कितना 8x बराबर कितना दिया 48। तो x बराबर कॉमन फैक्टर निकाल लिया कितना है, यहां 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 ईयर्स, 5 इंटू 3 ओ सॉरी 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 5 इंटू 6 30। लेकिन क्या आपको अभी की पूछी ए और बी की कब पूछी, 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछी गई है। तो भाई किस ईयर में बात करोगे आप, 2013 में। देखो लगता तो बहुत आसान है कि 5-5 साल कम कर देंगे हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे अभी आगे तब आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होगी, जब आपसे बोलेंगे वर्तमान में जाना है, फिर पास्ट में फ्यूचर में जाना है, फिर आपको कहाँ जाना है पास्ट में जाना है, और फिर वापस से आपको फ्यूचर में आना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ कहाँ पर मैंने क्या डेटा रखा था। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आप ईयर मेंशन कर लेते हो कितने साल पीछे गए कितने साल आगे गए, आपको क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, आपका कितना था तो ए यहाँ पर कितने साल का हो जाएगा, जब भाई 2018 में 18 का था 5 साल पहले कितने का होगा 13, और यहाँ पर -5 ही होगा, हाँ यहाँ पर भी -5 होगा 25 ईयर्स। तो आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो गया कि क्या हो गया 13 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। देखो करने को तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है करने का, इसमें आपको इंडिविजुअली करना क्या है, ए बराबर 13 है, बी बराबर आपका कितना है 25 है, ऐसा आ गया। लेकिन इसे और किस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे वो हम देखते हैं। ए प्लस बी आपको कितना दिया था यहाँ 48, कितना दिया था 48। 5 साल पीछे जाते तो दोनों की 5-5 साल कम होती, तो यहाँ पर ए प्लस बी कितना होना चाहिए था 38। भाई दोनों की 5-5 साल कम होती ना, तो यहाँ पर तो आप ऑलरेडी देख लो कितना आ रहा 38, तो आसानी से हो गया। लेकिन अगर आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे कि ए प्लस बी को 38 कर लेते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, जैसे ए यहाँ 3x है तो यहाँ पर कितना होता 3x-5, यहाँ पर कितना होता। मेरा कहने का मतलब है रटो मत, आप जिस ईयर में रख के करना चाहते हो वहां पर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब हम यहां पर सॉल्व कर लेते, दोनों का टोटल कर लो 3x-, इनको जोड़ेंगे ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -10 बराबर 38। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, -10 जाके यहाँ ऐड हुआ 48, तो x बराबर 6। एक्स बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर आप वैल्यू भी पुट कर लो, तो भाई 3 6 18 -5 कितना होता है, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी अगर देखो आप 5 6 30 -5 कितना होगा, हमने ऊपर भी वही निकाला था जब यहाँ सॉल्व किया और 5 माइनस करके, और हमने इस साल में भी आके अगर सॉल्व किया सॉल्यूशन हमारा जो लिया उसको भी आप आसानी से देख सकते हो, इसमें भी वही आंसर आया है जो यहाँ से हमने करके निकाला था। तो आपके लिए ईयर मैटर नहीं करता, आपके लिए कंसेप्ट मैटर करता है कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको अपने माइंड में फीड करके रखना है कि हमें समझना है चीज़ों को, ईयर को समझना है, हम चाहे यहाँ भी निकाल सकते हैं चाहे यहाँ भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट ये मैटर क्या करता है कि आप कितने हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 48 ईयर्स है, 48 वर्ष है। 5 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, कब 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद कब से कंफ्यूजन आता है, भाई वर्तमान से ही बात होती है हमेशा, मतलब एट प्रेजेंट से ही। अगर आपसे बोलेंगे 5 ईयर्स एगो या 5 वर्ष पूर्व तो आप कहां से लोगे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट से ही पीछे जाओगे प्रेजेंट से ही आगे जाओगे। तो आपसे क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, तो ए और बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है या क्या होगी। तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, सबसे पहले आपको दिया है 2018 का डेटा, आप मेंशन कर लोगे आपको किस ईयर में आंसर पूछा गया, सबसे पहले क्या मेंशन करोगे किस ईयर में डेटा पूछा गया है। 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछी गई है, मतलब आपको पूछा गया है 2013 में वो कितने वर्ष के थे, ए की आयु और बी की आयु। 2018 का क्या डेटा है आपके पास, अगर आप देखो तो वर्तमान में कितने, 5 वर्ष बाद उनका रेशो दिया गया है, क्या दिया हुआ है भाई देख लेते हैं, मतलब 2023 में क्या दिया है यहां पर देख लेते हैं, ए प्लस बी 38 है, ए रेशो बी कितना दिया 3:5। अब हमको यहां पर सॉल्यूशन करना, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा ए बराबर, जब भी हमें रेशो से अलग करना होता है इंडिविजुअली ए बताना है
तो कॉमन फैक्टर साथ में आ जाता 3x। बी, जब भी आप इसे रेशियो में लिखोगे वापस, देखो x से x कैंसिल और ये आ जाएगा वापस रेशियो में, लेकिन जब भी रेशियो से अलग करना है तो कॉमन फैक्टर साथ में लेकर ही करते हैं, क्योंकि वो x ही है जो हमें ओरिजिनल वैल्यू बताता है a की, या ओरिजिनल वैल्यू बताता है b की मल्टीप्लाई होने के बाद। चलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब आपके पास दो तरीके हैं इसे करने के, या तो आप a प्लस बी को कहाँ लेके आ जाओ, 5 साल आगे, 5-5 साल दोनों के बढ़ेंगे, इसका भी 5 साल, इसका मतलब टोटल 10 साल ऐड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 48, या आप 5-5 साल पीछे आके भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, चलो 5-5 साल आगे कर लेते हैं, मतलब हम 2023 में आ जाते हैं। ठीक है, 2023 में आ जाओ, तो क्या होगा, ए की कितने साल बढ़ेगी यहाँ पर, 5, प्लस बी की भी कितनी बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल 5-5 साल आ गया है, दोनों की बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, a+b+5 + b+5। तो यहाँ पर टोटली जो आपका कंसेप्चुअल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको दोनों में, तो a प्लस बी प्लस कितना बड़ा 10, और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी 38 + 10, तो आपका यहाँ पर कितना हो गया 48। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट ही करना है भाई, एक की 5 साल बढ़ रही है, दो लोग हैं तो टोटल कितना पड़ेगा अगली बार जाके उनके टोटल में, 5-5 दोनों की बड़ी मतलब 10, 48 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको कितना दिया है, 3x + 5x, a की 3x और b की 5x, a प्लस बी कर लो कितना हो जाएगा, 48 हो रहा है यहाँ पर कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, a प्लस बी जो आपका यहाँ पर टोटल हो रहा था इन दोनों की एज को मिलाकर, इसकी एज और इसकी एज मिलाकर आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पर 48, तो 3x 8x बराबर, x बराबर 6, x बराबर कितना हुआ फ्रेंड्स 6, क्योंकि दोनों की 5-5 साल बढ़ी थी, यहाँ पर जो टोटल था आपका वो लिख लिया आपने, तो आपकी कितनी आ गई टोटल एज भाई, मेरी 48 हो गई, कितनी हो गई ये मैंने आपको टोटल करके बताया। ठीक है, ये जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एज कैसे बढ़ी है, जो पहले थी उसमें कितना बढ़ा। अब अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो यहाँ पर ए कितना था 3x और यहाँ पर कितना था 5x, कब 2023 में, भाई ये तो ए रहेगा बी तो बी रहेगा, अब 5-5 साल इनकी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ए प्लस बी बराबर 48, तो 3x 5x, x बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब x बराबर जब 6 आ चुका है तो आपको एज कहाँ निकालनी थी एक्चुअल 2013 में, आसानी से निकाल लोगे, पहले यहाँ निकाल लो, अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 × 6 मतलब, यहाँ पर 5 × 6 मतलब 30, लेकिन आपको 2023 से कहाँ पर आंसर कहाँ चाहिए था 2013 में, मैंने इसलिए ईयर मेंशन करने को कहा था, आपसे पूछी किस ईयर में थे 2013 में, तो माइनस कितना होगा 10 दोनों की एज से, तो मतलब जिसकी आपकी 18 आई है उसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 18 - 10, मतलब क्या हो जाएगा ए 18 - 10, बी कितनी थी वहाँ 30 - 10, 8 years 20 years, ये होंगे आपके आज के आंसर्स क्वेश्चन के। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल डीपली क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, इस पर हम बहुत डीप क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हम एज एंड जो आपका रेशियो वाला टॉपिक है इस ये आपस में बहुत कोरिलेटेड है, तो आपको इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आपको कहीं डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके डाउट जितना जल्दी हो सके करने की क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.